संगड़ाह वार्ड में जिला परिषद चुनाव में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों की सरेआम अवहेलना कर रहे हैं नेता। कोरोना काल में प्रशासन द्वारा बार बार जारी की जा रही है एहतियात बरतने की अपील। जिला परिषद चुनाव में हॉट सीट समझे जा रहे संगड़ाह वार्ड में चुनाव प्रचार के लिए निकले कांग्रेस व भाजपा आदि दलों के नेता मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं। उपमंडल संगड़ाह में आज 3 स्थानों पर हुए चुनाव संबंधी कार्यक्रमों में दर्जनों नेता बिना मास्क के दिखाई दिए और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियम की भी खुलेआम अवहेलना की गई। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दल से संबंधित प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे नेता व कार्यकर्ता भारी संख्या में बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने संबंधी वीडियो खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। गौरतलब है कि उपायुक्त सिरमौर द्वारा आज ही बिना संबंधित अधिकारियों की अनुमति के पंचायत चुनाव संबंधी रैली व जनसभाएं ना किए जाने संबंधी प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। SDM संगड़ाह डॉक्टर विक्रम नेगी ने कोरोना काल में प्रशासन अथवा उपायुक्त सिरमौर द्वारा दिए गए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी सभी नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपाइयों ने संगड़ाह में आयोजित की वर्चुअल रैली। हिमाचल सरकार के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संगड़ाह में भाजपाइयों द्वारा वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता रूप सिंह के घर पर आयोजित हुई इस रैली में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रताप तोमर, सहीराम चौहान व पूर्व प्रत्याशी बलवीर चौहान सहित लगभग सभी मंडल पदाधिकारी व युवा मोर्चा पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रदेश के कई शीर्ष भाजपा नेताओं का संबोधन सुना गया। उक्त प्रसारण देखने के बाद भाजपाइयों द्वारा प्रदेश व केंद्र सरकार के विकास कार्यों पर चर्चा की गई तथा इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 3 वर्ष पूर्ण किए उस उपलक्ष्य पर आज भारतीय जनता पार्टी रेणुका मंडल ने संगड़ा में एक कार्यक्रम किया जिसके तहत हमने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का मार्गदर्शन सुना, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय सुरेश कश्यप जी का मार्गदर्शन सुना और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी का भी हमें मार्गदर्शन मिला। और इसके साथ साथ आज की रैली में जो हमारे केंद्र सरकार में जो केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ जी का जो हमें मार्गदर्शन मिला, साथ में माननीय अनुराग ठाकुर जी का भी मार्गदर्शन मिला, आज पूरे रेणुका मंडल के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। मैं सभी को प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के 3 साल पूरे होने पर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सभी जनता जनार्दन को इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसका विरोध किया है पूरी कांग्रेस कमेटी रेणुका जी ने, वो इसीलिए किया है कि हमारे क्षेत्र में, प्रदेश तो दूर की बात है पर हमारे क्षेत्र में जो काम चले हुए थे वो सारे काम भी रुक गए हैं। उनका जो भी सड़कें चली थी उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है, जो हमारे सरकार के दौरान चली थी उसमें भी ठेकेदार कार्यों को छोड़ के भाग गए हैं और जहां सड़क पक्के करने की बात थी वहां बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं, लोगों को चलने में असुविधा हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। कोरोना काल में आपको पता है कि लगभग 1 वर्ष हो गया है और सरकार इसको कंट्रोल करने में नाकामयाब रही है, उनको कोई कामयाबी नहीं मिली है और उन्होंने जो समय समय पे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिससे जो कोरोना का संक्रमण है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा फैल चुका है। बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस आजकल आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सिर्फ नेग्लिजेंसी है जो सरकार ने बाहर से आए हुए लोगों को आमंत्रित किया है और यहाँ हिमाचल प्रदेश में आके बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको फैलाया गया। तो बिजट महाराज को मेरा प्रणाम। मैं सीमा देवी संग्राम वार्ड से जिला परिषद की उम्मीदवार हूँ।